तो यहां पर गूगल की तरफ से नया क्रोमकास्ट अल्ट्रा आने वाला है, जो कि हम देखते हैं ऑर्डिनरी यहां पर क्रोमकास्ट उससे कुछ अलग होने वाला है, जहां पर इसके साथ आपको एक रिमोट देखने को मिलेगा और बेसिकली एक एंड्रॉइड टीवी का यहां पर लेकर आ रहा है फीचर, जहां पर अगर आप इसे नॉर्मल किसी भी स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करेंगे तो भाई इसे कनेक्ट करने के बाद आपका जो स्मार्ट टीवी है वो एंड्रॉइड टीवी में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसमें जो फीचर्स आ सकते हैं और आने वाले जो कि थोड़े से कन्फर्म है, और इसकी प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें जो आपको मिलेगा वो आपको वीआर सपोर्ट का भी इसमें ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जहां पर भैया आप वीआर भी इसमें यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक्टिव गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर गूगल असिस्टेंट की मदद से आप जो भी चीजें हो, जो भी वेदर वगैरह या फिर म्यूजिक वगैरह वो प्ले करवा सकते हो, जो हम यहां पर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में अगर गूगल असिस्टेंट यूज करते हो तो सेम वैसा ही यहां पर होने वाला है। और यहां पर गूगल असिस्टेंट को यहां पर यूज करने के लिए आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत हो सकती है, मतलब यहां पर वाईफाई तो चाहिए, और साथ ही साथ वाईफाई का यहां पर निकल चुका है तो आपको बता देता हूं इसमें वाईफाई का भी सपोर्ट है, साथ ही साथ ब्लूटूथ का भी इसमें सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर इसमें एंड्रॉइड 9.0 यानी एंड्रॉइड पाई जो कि लेटेस्ट है एंड्रॉइड टीवीज में, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें देखने को मिल जाएगा, जहां पर इसके साथ आपको रिमोट जो मिलेगा उसकी मदद से आप कंटेंट को चेंज करवा सकते हो, साथ ही साथ आप इसे कहीं पर भी स्विच करवा सकते हो, किसी भी यहां पर जो एंड्रॉइड के पर्टिकुलर यहां पर एप्लीकेशन है तो उसमें अंदर जा सकते हो। प्ले स्टोर का ऑप्शन है, जहां पर प्ले स्टोर से आप कई सारे एप्स ले सकते हो, मतलब बेसिकली एक एंड्रॉइड टीवी की तरह ही होने वाला है। साथ ही साथ यहां पर सपोर्ट की बात करें तो इसमें गूगल स्टेडिया का सपोर्ट है, जहां पर गूगल स्टेडिया एक कंसोल है जो कि एक गेमिंग कंसोल, जहां पर इसमें क्लाउड गेमिंग होती है, तो यहां पर क्लाउड गेमिंग सपोर्ट के लिए काफी बढ़िया है। अब यहां पर हम क्लाउड गेमिंग की बात करें तो इंडिया में अगर देखें इसका फ्यूचर, तो अभी के लिए कुछ फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए फास्ट इंटरनेट, जो कि अभी इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं, मतलब इंटरनेट तो है मगर इतना फास्ट नहीं है कि हम 4K गेमिंग कर पाए, तो इसमें 4K HDR का भी सपोर्ट है 4K गेमिंग करने के लिए, तो यहां पर इसमें गूगल स्टेडिया का सपोर्ट भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है इसके रूमर्स फीचर्स, और यहां पर अगर लास्ट में इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस तकरीबन होने वाली है $49, जो कि लगभग यहां पर ₹3,500 से स्टार्ट हो सकता है। अब यहां पर ये बाहर की अगर ग्लोबली बात करें तो ये इसकी प्राइस बढ़ती है, और इंडिया में आते आते यहां पर इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ भी सकती है, यहां पर 4,000 से 5,000 रुपए के बीच में आपको ये मिल सकता है, जहां पर भैया काफी अच्छा ऑप्शन है कोई भी स्मार्ट टीवी के लिए अगर आप उसको एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसके बारे में जो भी आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसके बारे में मुझे जो भी ज्यादा पता चल जाएगा उसके बारे में मैं डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करना, मुझे पता चल जाएगा। So this is me Prithvi from this channel, and I will see you guys in the next one.